हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फिलहाल फ्रेंड, टिहरी की जो है पीआरटी भर्ती की लिस्ट आ गई है। तो इसमें किस तरह से आपको अपना नाम ढूंढना है और क्या क्या इसमें करना है, और इन केस अगर आपको कोई मिस्टेक्स अपने डिटेल्स में पाई जाती है तो कैसे आपको सारा कुछ करना है, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको डिटेल बताएंगे। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंट्रोल नंबर या फिर रोल नंबर आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम है, देन उसके फादर का नाम, इफ़ सी हैज़ हस्बैंड देन हस्बैंड नेम, देन ओके, उसके बाद अदर नेम एंड देन मेल एंड फीमेल, और होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया था। जैसे कि आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टिहरी, गढ़वाल, चमोल, हालांकि ये लिस्ट टिहरी की है, लेकिन इसमें जैसे कि आपको पता है कि पीआरटी भर्ती में जहाँ जहाँ 9 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म निकले थे हर कोई वहाँ से अप्लाई कर सकता था। तो आप देख सकते हैं इसमें यूएस नगर, रुद्रप्रयाग, तो इसमें ज़्यादातर आपको नैनीताल, देहरादून इसी तरह के मिलेंगे। देन एड्रेस आप देख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस, देन उनका जो है डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा किस कैटेगरी वो में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जर्नल की लिस्ट है, उसके अलावा फिर जो है नेक्स्ट, जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे कैटेगरी वाइज आपको ये सब देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण क्षेत्र वाइज, अगर आप एक्स आर्मी से रिलेटेड हैं या फिर कि आपका भाव वो है, तो उसके बाद यहाँ पर कक्षा 10 के मार्क्स और 12th के मार्क्स यहाँ पर हैं, उसके बाद स्नातक के मार्क्स हैं, उसके अलावा जो स्नातक में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ पर नाम है, उसके अलावा स्नातक 2, 3, 4 जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनकी सब्जेक्ट के डिटेल है। तो यहाँ पर आप अपने नाम को सर्च करके कंट्रोल नंबर से, रोल नंबर से, अपने फादर नेम से या फिर मदर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ है, तो अपनी जो सारी डिटेल्स है उसको एक बार फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है, आपका कोई डेटा मिसमैच होता है, तो किस तरह से आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा विषय संयोजन, और उसके अलावा किस तरह का उसमें आपकी लैंग्वेज है आपने सेलेक्ट करके रखी है, उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके अलावा स्नातक में कितने आपके मार्क्स हैं, उसके अलावा बीएड में आपने जो है कहाँ से किया हुआ है वो है, उसके अलावा आप नीचे जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ से आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके ऊपर बीएड के बाद आप देख सकते हैं डाइट, डीएलएड, और उसके अलावा बीटीसी जो कि स्टार्ट में होता था, तो पासिंग ईयर, उसके अलावा जेबीटी, जहाँ अलग अलग स्कूल के संस्थानों के नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर आप देखते थे कुछ कुछ स्थानों में देखे उनके जहाँ जहाँ से उन्होंने अपने कोर्स किए थे डाइट, डीएलएड या बीटीसी, उनके कॉलेज के नाम ही नहीं यहाँ पर संशोधित हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते कई जगहों पर जम्मू कश्मीर यानी कि आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड के भी यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, देखिए तो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भी जिन्होंने डायलेट किया था उनके नाम भी हैं, इधर सीटेट, इधर पासिंग मार्क्स, और इधर जो भी उन्होंने आपने सीटेट यूटेट में मार्क्स पाए हैं वो यहाँ पर सारा कुछ है डिटेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल है, अगर आपने सीटेट है तो सीटेट, यूटेट है तो यूटेट, कितने मार्क्स पाए हैं, किस कैटेगरी के हैं लास्ट में, तो यहाँ पर उन्होंने दो बार कैटेगरी का उल्लेख किया, एक बार स्टार्ट में और एक बार लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये है कि अपना नाम अगर आप अच्छे से डिटेल में चेक कर लीजिए, इनकेस अगर आपको अपना डिटेल यहाँ पर मिस्टेक मिलती है, जैसे कि हम इस लिस्ट में देख पा रहे हैं कईयों के कॉलेज के नाम नहीं है, कईयों के ईयर के नाम नहीं है, तो अब आपको अपना डेटा कैसे एग्जैक्ट करेक्ट करवाना है, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कृपया समस्त अभ्यर्थी नोट करें कि यदि उनके व्यक्तिगत विवरण में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उनको जो है अपना सारा जो डिटेल है यानी कि फिर से रीअप्लाई के लिए, या फिर आप कह सकते हो अपना जो डेटा है उसको अपडेशन कराने के लिए tehri.deo डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर @gmail.com पे 4 अक्टूबर 2021 तक प्रेषित करना है। यानी कि पहले आपको क्या करना है, ये लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा। उसके अलावा इस लिस्ट में आपको आपका नाम सर्च करना है, कहाँ पे आपका नाम है, एग्जैक्ट सभी डेटा मतलब एक्यूरेट है कि नहीं, नाम, पता, फादर नेम, किस ईयर आपने भरा, यूटेट, किस यूनिवर्सिटी का नाम है। इनकेस आपको कोई दिक्कत
पड़ती है, तो आपको जो इनका जो ईमेल आईडी है tihri.deo@gmail.com पे सारी जो है डिटेल अपडेशन भेजनी है, कब तक? 4 अक्टूबर 2021 तक।